बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी बिहार से बड़ी खबर है, जो कि आज जन लोकतांत्रिक पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में विलय हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो कि रविंद्र भवन पटना बिहार की हैं, जो कि आज एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन जन लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जहां पे बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहाँ पे आज जन लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, जो कि अनिल कुमार इनको बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी पर मायावती जी के मुलाकात के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे आज जन लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जो कि उनको बिहार प्रदेश का, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जो कि भारी भीड़ दिखाई दे रही है। ये रविंद्र भवन पटना की तस्वीर है, जो कि एक कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे जन लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। तो आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी खबर मानी जा रही, जो कि आज जन लोकतांत्रिक पार्टी का बीएसपी में विलय हुआ है। कुछ दिन पहले ही बीएसपी प्रमुख मायावती जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार की मुलाकात हुई थी, जो कि अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी हर राज्य में एक बड़े बड़े कार्यक्रम के तौर पर कार्य कर रही, वहीं पर अब बिहार प्रदेश से जो कि बड़ी खबर आ रही, जो जन लोकतांत्रिक पार्टी का विलय होने से एक बहुजन समाज पार्टी को बिहार में बड़ी मजबूती आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मिलेगी। तो इस कार्यक्रम में काफ़ी भीड़, जो कि आप देख पा रहे हैं रविंद्र भवन पटना से, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो कि अब लोकसभा चुनाव में इस पार्टी के विलय होने से अच्छा जनाधार बढ़ने की संभावना, जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बेहतर रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी दे पाएगी।